खरगोन जिले के भिकनगांव में कुछ लोगों को सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करना उस समय भारी पड़ गया जब शिकायत वापस न लेने पर नगरपालिका ने उनकी दुकानों को अतिक्रमण के नाम पर हटा दिया और पूरे समाज पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। शिकायतकर्ता ने बताया कि छोटे चौराहे पर विगत 45 सालों से लगातार परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, अचानक अतिक्रमण मुहिम के नाम पर हमारी दुकानों को नष्ट किया गया, जिसमें सीएम हेल्पलाइन में 2 माह पूर्व शिकायत दर्ज कराई थी जो नगर परिषद वार्ड 11 खरगोन देशगांव मार्ग के छोटे चौराहे पर, जिसका आज तक कोई निराकरण नहीं किया गया तथा सीएमओ द्वारा बार बार बोला जा रहा है कि सीएम हेल्पलाइन से शिकायत उठाओ या हमें लिखकर दो कि हमने जो शिकायत की है वह वापस लेना चाहते हैं। इस कारण सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करना गरीबों को भारी पड़ रहा है तथा शासन प्रशासन से आम जन का विश्वास उठने लगा है। सीएमओ नगर परिषद सिर्फ सीएम हेल्पलाइन में शिकायतें करने वालों पर ही अपना दबाव बना रही है, अन्य पर नहीं। भिकनगांव से पीयूष अग्रवाल की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? प्रकाश चंद वर्मा है। मेरे भाई का नाम भूरलाल वर्मा है। ये 77 साल के हैं। इनकी दुकान लगभग छोटे चौराहे मंडी रोड पे 50 साल से है। जो सीएमओ साहब के मतलब दुकान हटी थी उसके विरोध में विक्की चांगल को कब्जा करा रहे थे सीएमओ साहब। वो विरोध में 181 पे रिपोर्ट डली हुई थी। अब उनका 8 रोज से कहना पड़ रहा था कि शिकायत हटवा लीजिए 181 की, नहीं तो आपकी वो दुकान भी भर लाएंगे जो ठेले पर अस्थायी रूप से लगा रहे हैं। किसने हटाने का बोला था? सीएमओ साहब ने। सीएमओ कौन? सीएमओ मनोज धंगड़ाड़े। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि 181 की रिपोर्ट आप कटवा लीजिए और नहीं तो आपका ठेला भी मेरे माँ बाप की कसम में 18 तारीख में भर लूँगा। फिर भी मैंने उनको, कल भी उनका फ़ोन आया था, मैंने कहा कि मैं आ रहा हूँ बाहर दवा लेने गया हूँ आके कटवा लूँगा, तब भी उन्होंने 6 बजे भैया का ठेला 4 कर्मचारी ले गए और इनको धक्का मुक्की करके और इनसे मंगल दुकान करवा के ना ठेला ले आए। उसके बाद आपने क्या किया? 181 पे हमने शिकायत की। उन्होंने कहा थाने पे जाइए, पहले थाने की रिपोर्ट लिखी है। जो थाने पे गए 2 स्टार मैडम थी, एक साहब थे, उन्होंने कहा रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। क्यों नहीं लिखी जाएगी पूछा? उन्होंने पूछा, बोले कोरोना टाइम के कारण नहीं लिखी जाएगी। कोरोना के कारण? हाँ। अब उसके बाद में हमने फिर 181 मैंने शिकायत की, उन्होंने हमारी रिपोर्ट दर्ज कर ली है। तो आप क्या मांग चाहते हैं? अब ये चाहते हैं कि हमारा ठेला ये कब देंगे और क्या कारण से लाए गए, कोई सूचना पत्र नहीं है। एक अच्छे अधिकारी के हिसाब से गुंडे राज्य में क्या अंतर है? वो गुंडों की तरह आए, इनको चमकाया, वहाँ पकड़ के उतारा और धक्का देके इनको दुकान पड़वाई न ले गए। तो नगर पालिका के कौन कौन अधिकारी कर्मचारी? नगर इनके साथ 2-3 कर्मचारी थे, वो 4 ठेला धकाने वाले थे कर्मचारी, बेहतर लोग। तो बोला करा कहीं नहीं? बस नहीं, बस कुछ नहीं। इनसे नोटिस, कोई सवाल जवाब नहीं दिया? कोई नोटिस नहीं, कोई बिना नोटिस नहीं। दिए ले गए? हाँ, और भी दुकानें थी, सिर्फ हमारी लाई गई। तो सिर्फ सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने के कारण इतनी सब कार्रवाई किया? और वो कह रहे हैं वो कटवाओ नहीं तो लगाने नहीं देंगे। सीएम हेल्पलाइन की शिकायत हटवाओ? शिकायत हटवाओ। अगर शिकायत नहीं हटाते तो नहीं लगेगी दुकान? ले आए ना, उन्होंने ली आए तो दुकानें उठा के लिया। उन्होंने माँ बाप की कसम दिखाई थी, ली आए वो। वो कोई सूचना नहीं, कुछ नहीं। 6:30 बजे लगभग इनके पास आए, 6 बजे। तो शिकायत करने का बस क्या कारण था? बस यही कारण था, यही कहा कि भाई दुकान हमारी वहाँ 50 सालों से लग रही है, हमारी लगे। और नगर पालिका? और नगर पालिका ये चाहती है, विक्की चांगल भी कल वहीं था, उनके समर्थन में वो हटवा रहे। हमारी वार्ड क्रमांक 8 में आवास योजना की खोली आई हुई है, जिसकी 60,000 की राशि वो दे चुके हैं। सेस बने को 6 महीने हो गए हैं, लेकिन वो शिकायत के बाद हमारे अभी 2 महीने से आए हुए पैसे नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं कि ये शिकायत हटाओ तो वो राशि भी डलेगी। तो दुकान से ये आवास योजना का क्या लेना देना है? वो पहले भी हमको नोटिस दे चुके थे कि आप शासकीय जमीन में बना रहे हैं, आप उसके दस्तावेज पेश करो। दस्तावेज पेश कर दिए, फिर उन्होंने नफवाने भेजे, नफवा भी दी, तो अब 2 महीने से हमको आजकल कर रहे हैं और 2 महीने से हमारी शिकायत दर्ज है। जबरदस्ती नहीं, नियम अनुसार कार्रवाई की गई, तो सभी का कार्रवाई चालू है। और सर ये बोल रहे हैं कि हमारे मतलब हमने जो से शिकायत करी है तब से हमारी आवास योजना रोक दी है, तो ये क्या है? आवास योजना का लाभ उनको दिया जा रहा है और दूसरी किस्त आएगी तो उसका भी लाभ दिया जाएगा। किसी का शिकायत से और आवास से ऐसा कोई लेना देना नहीं। ठीक है, वही निकाय द्वारा अभी मुनादी कराई गई है विगत कुछ दिनों पहले कि स्थायी रूप से ठेले खड़े नहीं किया जाना है, और हम उस संबंध में हमने ठेले जब्ती की कार्रवाई भी की है और विजय चाट और सोनी बेल्ट वाले का ठेला भी जब्त किया। उसी तारतम्य में भूरेलाल जी का भी ठेला चुकी हुआ, उसकी शिकायत भी है अलग से हमारे द्वारा
ठेला जब्त करके परिसर में खड़ा किया गया। और सर ये जो दुकान जो घुमटी हटाई है, इसने जो शिकायत करी, किस कारण से घुमटी हटाई और क्या मामला पूरा? अस्थायी ठेलों के संबंध में निकाय द्वारा कुछ दिन पहले मुनादी कराई गई कि जो अस्थायी ठेले हैं उन्हें रात के समय जो है अपने घर वापस लेके जाना है, स्थायी रूप से खड़े नहीं किया जाना। इस संबंध में मुनादी कराई गई और कुछ ठेलों को जब्त भी किया गया। उसी तारतम्य में भूरे लाल जी का भी ठेला जब्त किया गया निकाय द्वारा। तो उन्होंने बोला है कि बोले हमारे से ज़बरदस्ती करी, हमारे को सूचना भी नहीं दी, नोटिस भी दिया भी नहीं। क्या मुनादी कराई गई है और सभी के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, कोई ऐसा पक्षपात नहीं किया जा रहा है। एक बार फिर से सर, ये भूरे लाल ने जो दुकान जो घुमटी हटाई है, इसने जो शिकायत करी, किस कारण से घुमटी हटाई और क्या मामला पूरा? अस्थायी ठेलों के संबंध में निकाय द्वारा कुछ दिन पहले मुनादी कराई गई कि जो अस्थायी ठेले हैं उन्हें रात के समय जो है अपने घर वापस लेके जाना है, स्थायी रूप से खड़े नहीं किया जाना है। इस संबंध में मुनादी कराई गई और कुछ ठेलों को जब्त भी किया गया। उसी तारतम्य में भूरे लाल जी का भी ठेला जब्त किया गया निकाय द्वारा। तो उन्होंने बोला है कि बोले हमारे से ज़बरदस्ती करी, हमारे को सूचना भी नहीं दी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।